हमारे नाज़िम मुशायरा जनाब नातिक साहब ऐसे मौके पे बुलाते हैं कि जब पूरा निचोड़ हो जाता है, लेकिन शुक्र है परवरदिगार का कि कम से कम बुलाते तो हैं। और बहर कैफ उनकी मोहब्बतों का, उनकी उल्फतों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिस मौके पे भी बुलाएं, क्योंकि अगर सामे कम हैं बज़ाहिर तो दिल की गहराइयों से देखें कि मलाइका तशरीफ़ फरमा है। और अगर मलाइका भी ना हो तो इतना तो यकीन मिलता है हदीसों से कि हुसैन की माँ फ़ातिमा ज़रूर बैठी है। और ये जितने लम्हात हम बारगाह सरकार वफा में गुजार रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी में इजाफे का सबब है। अल्लाह सब के तौफीकात में इजाफा फरमाए, नेक तौफीकात की तौफीक अता फरमाए। मैं ज़्यादा तो नहीं, बस एक मतला और दो तीन शेर आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ करूं, क्योंकि पहले मैं बड़े आका की बारगाह में अर्ज़ करूंगा, फिर छोटे आका की बारगाह में शेर देखेंगे। हैदर मदनी साहब, क्योंकि आप बड़ी तवज्जो के साथ इन्हमाक के साथ शुरू से लेकर आखिर तक शेर समाप्त फरमा रहे हैं, तो नहीं बतौर ख़ास हमारे हैदर भाई के हवाले से मैं शेर बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हालात हाजरा से भी थोड़ा सा मुनासिबत है कि है करबला हुसैन की, काबा हुसैन का है, करबला हुसैन की काबा हुसैन का, सारे जहां पे आज है कब्ज़ा हुसैन का, सारे जहां पे आज है कब्ज़ा हुसैन का, और नामो निशा कहीं नहीं कब्रे यजीद का, नामो निशा कहीं नहीं कब्रे यजीद का, हर दिल में है बना हुआ रोज़ा हुसैन का, हर दिल में है बना हुआ रोज़ा हुसैन का। देखिए हम घरों में रहते हैं लेकिन हुसैन हर मोमिन के दिल में रहता है, उसको मद्देनज़र रख के ये मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश किया। और शेर समाप्त फरमाए, तुम क्या लड़ोगे फातहे खैबर के लाल से, तुम क्या लड़ोगे फातहे खैबर के लाल से, काफ़ी है तुमको एक बच्चा हुसैन का, काफ़ी है तुमको एक बच्चा हुसैन का। शेर देखें फार भाई के, ता हश्र दीन हक पे ना अब आँच आएगी, ता हश्र दीन हक पे ना अब आँच आएगी, दीन खुदा के सर पे है साया हुसैन का, दीन खुदा के सर पे है साया हुसैन का। और तारीख ये सितम ना कभी होगी आश्कार, तारीख ये सितम ना कभी होगी आश्कार, हर सिमत छा रहा है उजाला हुसैन का, हर सिमत छा रहा है उजाला हुसैन का। और अहले सितम तो अहले सितम तो दाखिले दुश्नाम हो गए, अहले सितम तो दाखिले दुश्नाम हो गए, लेकिन है हर जबान पे कसीदा हुसैन का, लेकिन है हर जबान पे कसीदा हुसैन का। एक मिसरे तरह थी जिसका मिसरा था कि अब्बास का चुल्लू है कि दरिया में भंवर है, अब्बास का चुल्लू है कि दरिया में भंवर है। देखिए दो तीन शेर मैं आप हजरात की खिदमत पेश करता हूँ, और इसमें हमारे मोहसिन भाई के शेर का जवाब भी है, समाज फरमाइएगा। जिस आँख पे इबलीस की उल्फत का असर है, जिस आँख पे इबलीस की उल्फत का असर है, वो तंग नज़र तंग नज़र तंग नज़र है, जिस आँख पे इबलीस की उल्फत का असर है,
वो तंग नजर तंग नजर तंग नजर है। और शेर बतौर खास समात फरमाए, माँ बाप के जो हुक्म की करता है उदूली, माँ बाप के हुक्म की जो करता, माँ बाप के जो हुक्म की करता है उदूली, वो किसका पिसर किसका पिसर किसका पिसर है, वो किसका पिसर किसका पिसर किसका पिसर है। और शेर बतौर खास समात फरमाए, जिस घर के मकी खुम से करते हैं बगावत, जिस घर के मकी खुम से करते हैं बगावत, वो जुल्म का घर जुल्म का घर जुल्म का घर है, वो जुल्म का घर वो जुल्म का घर। और शेर देखें जो जवाब के लिए मैं कह रहा था, समाज फरमाए कि आलिम जो करे दीन मोहम्मद की तिजारत, आलिम जो करे दीन मोहम्मद की तिजारत, बार बार पढ़ूंगा मैं इस मिसरे को, आलिम जो करे दीन मोहम्मद की तिजारत, वो बानिये शर बानिये शर बानिये शर है। जो आलिम आलिम जो करे दीन मोहम्मद की तिजारत, आलिम जो करे दीन मोहम्मद की तिजारत, वो बानिये शर बानिये शर बानिये शर है। आलिम जो करे दीन मोहम्मद की तिजारत, आलिम जो करे दीन मोहम्मद की तिजारत, आलिम जो करे दीन मोहम्मद की तिजारत। देखिए पांच उंगली एक जैसी नहीं होती है, एक सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आलिम जो करे दीन मोहम्मद की तिजारत, वो बानिये शर बानिये शर बानिये शर है। और बाजार मोहम्मद में फकत जिसकी है कीमत, बाजार मोहम्मद में फकत जिसकी है कीमत, अब्बास गौहर ऐसा गौहर ऐसा गौहर है। आइए अजीजों, आखिर में चूंकि महफिल तो हो चुकी है लेकिन चूंकि ख्वाहिश हो रही है तो मैं दो चार शेर के लिए जख्मी साहब को बुला रहा हूँ, इसके बाद महफिल इख्तिताम पर पहुँचेगी चार मिसरों के साथ, कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी। भाई मिसरे पेश करता हूँ कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात इनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी, बात इनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। तू मजलिसे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाए। तू मजलिसे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली।